सारण सीट पर कल वोटिंग हुई। यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले करीब 2% वोट कम पड़े। अगर सारण के वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो साल 2014 में 56.10% वोटिंग हुई, 19 में वोटिंग परसेंटेज बढ़कर 56.60% हो गया। पिछले दोनों बार चुनाव में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज घटा है, करीब 2% की कमी आई है। देखना यह होगा कि वोट कम होने से फायदा किसे मिलेगा या नुकसान किसका होगा। आज की घटना पर तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी में हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। दो लोगों की गोली मार के हत्या की गई है, ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि दो व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, दो और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया, कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। तीन लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। सारण का वोटिंग ट्रेंड बता रहा है कि पिछले साल के मुकाबले कम मतदान हुआ, तो वहीं यहां का जातीय समीकरण क्या कहता है वो भी जरा आप देख लें। सारण में जाति बड़ा फैक्टर है, केवल सारण की बात क्यों करें, पूरे बिहार में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन सारण में 25% यादव वोटर है, 13% मुसलमान है। अगर इन दोनों को आप जोड़ दें तो आरजेडी का 38% वोट तो वैसे ही फिक्स हो जाता है। बीजेपी का फॉर्मूला यह है कि 23% राजपूत और 20% वैश्य को अगर जोड़ दें तो 43% ये अपने पास जोड़ दें। ऐसे में 12% दलित वोट बड़ी निर्णायक भूमिका में रहता है। दलित जिधर वोट करता है उसकी जीत तय हो जाती है। बीजेपी दलित वोटों पर अपना दावा ठोक रही है। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी हार रही है, इसलिए हिंसा का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष में बैठी हुई सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी तो संतों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मगर कौन अपने शासन काल में किस तरह से जुल्म ढाया है वो लोग जनता जानती है, कौन पार्टी गुंडा है, कौन पार्टी सीधा है, सब जानती है। वो हार गई, हार के बौखलाहट में ये बोल रही है।